नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कृष्ण जन्मभूमि, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग यहां पर आते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये कृष्ण जन्मभूमि दिखाते हैं। और ये जो जगह है बहुत ही धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है। तो चलिए अब हम चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के पास और आपको बेहद करीब से दिखाते हैं। यही वो रास्ता है जो कि आपका कृष्ण जन्मभूमि जाएगा। मथुरा में ये जो कृष्ण जन्मभूमि है, इसे देखने के लिए पूरी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो आइए अब हम चलते हैं कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर लोग पूजा सामग्री के सामान लेकर मंदिर के अंदर जाते हैं और भगवान जी को चढ़ाते हैं। पूरे भारत देश में जितने भी थाना कोतवाली हैं, उन सभी जगहों पर कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म एक जेल में ही हुआ था। और इसीलिए जितने भी इंडिया में थाना कोतवाली हैं, उन सभी जगहों पर लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। मंदिर बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी के अंतर्गत रहता है और यहाँ पर आपको दो शिफ्ट में चेकिंग किया जाता है, तभी मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। तो आप लोग दोस्तों जब कभी भी आइएगा तो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिएगा, और मंदिर के अंदर मोबाइल पर्स ले जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखिए। तो आइए अब हम आपको बेहद करीब से दिखाते हैं ये मंदिर। पहले यहाँ पर कृष्ण जी के मामा कंस का कारागार हुआ करता था, और इसी जगह पर जो कंस था अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया था, क्योंकि जो देवकी का आठवां पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण जी, कंस को यह डर था कि उसकी मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए इसी जगह पर अपनी बहन देवकी को ही इसने गिरफ्तार करके कैद कर लिया था। और इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है कृष्ण जन्मभूमि। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे दर्शनार्थी आए हुए हैं कृष्ण जन्मभूमि को देखने के लिए। और यहाँ पर आप किसी भी महीने में आएंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आपको देखने को मिल जाएंगे। यही वो द्वार है जहाँ से अंदर एंट्री करना पड़ता है, और इसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर और वो जेल भी आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर बहुत सारे पुलिस के जवान भी लगे रहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये जो जगह है बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है, जिसे देखने के लिए पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को मानने वाले सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में उनको लोग मानते हैं। और यही वजह है कि आप जब कभी भी यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। जब कृष्ण जन्माष्टमी आता है तो पूरे मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते, इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यही वो मंदिर है दोस्तों जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे तो उनका मंदिर भी देखने को मिलता है, और वो जो जेल है वो आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तो आप बाहर से ही दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी मोबाइल है पर्स है तो आपका यहाँ पर लॉकर में जमा हो जाता है, तभी आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ था तो उनके पिता वासुदेव ने अपने पुत्र को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल में चले गए थे, ताकि जो कंस है उनको वो मार ना सके, क्योंकि कंस को डर था कि देवकी का आठवां पुत्र कृष्ण मेरी मौत का कारण बन सकता है। इसीलिए जो कृष्ण के पिता वासुदेव थे अपने बेटे को लेकर
मैया यशोदा के पास चले गए। तो आप यहाँ पर आएंगे तो भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जब कभी भी मथुरा में आइए तो इन सारे जगहों पर जाइए जो कि भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया गया है, तो आप जब कभी भी आइए तो इस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो मंदिर है बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी के अंतर्गत रहता है और पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से लैस रहता है, तो आपकी हर गतिविधि पर पूरी तरह से पैनी नज़र रखी जाती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पुलिस के जवान आपके अच्छे से तलाशी कर रही हैं, और यहाँ से अंदर जाने के बाद आपका एक शिफ्ट में और चेकिंग होता है, तभी मंदिर के अंदर जाने दिया जाता है। और एक चित्रकारी भी दर्शाया गया है कि जो वासुदेव थे अपने बेटे को लेकर कैसे यमुना पार करके गोकुल में जा रहे हैं। तो सच में ये जो जगह है बहुत ही एक सुकून भरा जगह है, बहुत ही मन को शांति प्रदान करने वाला ये जगह है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे श्रद्धालु आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर से पहले यहाँ पर कंस का बहुत बड़ा कारागार हुआ करता था, और इसी जगह पर जो भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था या फिर जिससे उसको खतरा रहता था तो उसे गिरफ्तार करके इसी जगह पर कैद कर देता था। तो यहाँ पर पहले कंस का कारागार हुआ करता था और बाद में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर हुआ, और वो जेल भी आज भी देखने को मिलता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने जीवन काल में ऐसे पवित्र जगह पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे दुकानें भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पर आपको पूजा सामग्री की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और मंदिर के आसपास बहुत सारे आपको धर्मशाला आश्रम भी यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर आप अगर रुकना चाहेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते में यहाँ आप को मिल जाएंगी। तो यही है दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि। तो आप लोग भी ऐसे पवित्र जगह पर अपने जीवन काल में ज़रूर आइएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।